अभी तो द्वितीय बुद्ध शासनकाल के केवल 65 वर्ष ही बीते हैं। बुद्ध के बताए मार्ग पे चलकर लाखों साधकों ने लाभ प्राप्त करना शुरू ही किया है। उनकी वाणी को खुद पढ़कर उनकी वास्तविक शिक्षा व उपदेश समझने का अवसर अभी आरंभ ही हुआ है। भगवान की स्वयं की भविष्यवाणी और मोग्गलीपुत्त तिस्स की भविष्यवाणी अभी तो यथार्थ में उतरी ही है, तो फिर ये विश्वास भी अवश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध की सारे विश्व में बिखरी हुई शरीर धातु भी धीरे धीरे चैत्यों में स्थापित होगी ही। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या ढूंढ निकाली, लोगों का कल्याण किया, हमने दुर्भाग्य से उसे खो दिया, उसके अवशेष उनका सम्मान होना चाहिए। ये इतनी बड़ी पगोड़ा, इतना बड़ा स्तूप, उनके अवशेषों का सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारे देश का एक ऐसा महापुरुष हुआ, अरे विश्व के मानव जाति का ऐसा महापुरुष हुआ जिसने विश्व कल्याण के लिए इतनी बड़ी बात ढूंढ निकाली, उसके अवशेष का हम सम्मान नहीं करें। बर्मा के लोग भगवान बुद्ध का बाल शेडोगन पगोड़ा में रखते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का दांत लंका में सम्मान करते हैं, पगोड़ा में रखते हैं। हमें भी होश आए, सम्मान करना सीखें। सम्मान इसलिए करते हैं कि उससे हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ, उसका उपकार मानते हैं, लेकिन असली सम्मान तो वो कि जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और फिर दोनों काम होता है, एक और सम्मान हो रहा उनके अवशेषों का और एक और लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एकत्र हो रहे हैं, अपनी शांति के लिए, औरों की शांति के लिए, अपने भले के लिए, औरों के भले के लिए, अपने मंगल के लिए, औरों के मंगल के लिए। खूब धर्म जागे, खूब धर्म जागे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।